ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि जो पीटीआई के नामजद उम्मीदवार हैं मुंतखब होने के बाद वो किसी और पार्टी में चले जाएंगे क्योंकि उनकी हैसियत आजाद मेंबर की होगी। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। देखिए, जिस किसी ने अपने नॉमिनेशन पेपर में यह कहा कि वो पीटीआई का मेंबर है, पीटीआई का उम्मीदवार है, मैं ये कहता हूं कि वो मुंतखब होकर भी पीटीआई ही का उम्मीदवार रहेगा, उसकी हैसियत आजाद नहीं होगी और इसके लिए हम अदालत में भी जाएंगे, अदालत से ही हम फैसला भी लेंगे। इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हम आजाद हैं बिल्कुल गलत है। मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर पे लिखा है मैं पीटीआई का उम्मीदवार हूं, मैंने अपना टिकट जो पीटीआई ने जारी किया वो आरओ के पास जमा कराया है, किस तरह कोई मुझे आजाद कह सकता है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि हम सब उम्मीदवारों को आप सबके सामने पेश होकर कुरान पाक पे हल्फ लेना चाहिए कि हम इमरान खान और पीटीआई के वफादार नहीं। इंशाल्लाह हम किसी लालच में किसी खौफ में नहीं आएंगे, मुंतखब होने के बाद ऐवान में हम पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी होंगे और इस बात को दिखाने के लिए, इस बात का अयादा करने के लिए सबसे पहले मैं खुद हल्फ लेता हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मुझसे ही हल्फ लें और हर उम्मीदवार से ही हल्फ लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पीछे हो जाएं सर, नहीं ठीक है जी। मैं कुरान पाक पे हाथ रख के खुदा ताला को हाजिर नाजिर जान के ये अहद करता हूँ कि मुंतखब होने की सूरत में मैं हर हाल में पीटीआई का वफादार रहूंगा, इमरान खान का वफादार रहूंगा, पार्लियामेंट के अंदर मैं पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का मेंबर रहूंगा। मैं तस्वीर भी नहीं कर सकता कि इमरान खान और पीटीआई से मैं गद्दारी करूं किसी और तरफ जाऊं। ये मेरा आप सब से वादा है, ये मेरा खुदा ताला की जात के सामने वादा है, मैं आप सबकी मदद का तलबगार। बहुत शुक्रिया।